मुंबई तो एक नौजवान ने साइकिल यात्रा शुरू करके अमृतसर पुजन से गुरु घर मत्था टेकया है। इस मौके से मीडिया नाल गलबात करदे प्रवीण कुमार मुहार का कहना है कि वह 11 फरवरी 2024 नूं रवाना होया सी। उसका मुख मकसद है कि गऊ माता नूं राष्ट्र माता का दर्जा दिता जाए। उन्हां दस्सिया कि 41 दिन की यात्रा मुंबई तो शुरू करके अज गुरु घर अमृतसर पुजे हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार मोहर है। मैं मराठी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर हूँ बॉम्बे से और फिल्म सेंसर बोर्ड करप्शन एक्टिविस्ट हूँ। मैंने देखा कि हमारी जो फिल्में तमाम सेंसर बोर्ड से पास होती है उसमें खेत खलियान और हमारी संस्कृति के आधार की जो फिल्में होती है तो उसमें गौ माता आती है, उसको घास खिलाने का, उसकी सेवा करने का, गौ या भैंस को दूने के शॉट होते हैं उनको, या बैल बगी के जो शॉट होते हैं उसको सेंसर बोर्ड इसीलिए काट देता है कि उनकी अनुमति नहीं ली जाती एनिमल वेलफेयर बोर्ड से। अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड बोलता है कि भैया 30,000 रुपये का एनओसी हमको, 30,000 रुपये वो इसमें पेनाल्टी के तौर पर आप भरिए दिल्ली में, उसके बाद में हमसे एनओसी लीजिए और फिर सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट इशू करेगा। यानी सरासर ब्लैकमेलिंग हो रहा है फिल्म मेकर्स के साथ में। उस ब्लैकमेलिंग को खत्म करने के लिए, और ये जो गंदा नियम है, ये कैसा नियम, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां से खेत खलियान में या गऊ पे फिल्म बनती है उसके लिए पैसा लिया जाता है। हाँ, जो गऊ माता वाले हैं, जो जिसकी भैंस है, जिसकी गऊ है, जिसके खेत खलियान में हम शूटिंग करते हैं उनको पैसा दे हम 30,000 रुपए, हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड को क्यों दें? और वो जो पैसा है खर्चा करने के बजाय, उसको उनको देने के बजाय, हम जो बिचारी गौ माता है जो कचरा खाती है, इधर उधर भटकती, कतल खाने में जाती है, उनको बचाने के लिए वो प्रयास करें ना उस पैसे का। तो हमें तो सरासर ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। भैया आप अगर 30,000 देते हो तभी पिक्चर में दिखा, 30,000 भरते हो तो कोई अन्याय नहीं होता। उनकी प्रोटोकॉल, वो बोले कि हमारा प्रोटोकॉल है कि आपको अगर फिल्म में दिखाना है, एक मुर्गी दिखानी है, एक भैंस, एक कबूतर दिखाना है, तो उसके लिए 30,000 भर दो फिर उसके बाद में दिखाओ। वो बोल रहे हैं कि आप फिल्म में गऊ को दिखाते हैं, भैंस को दिखाते हैं, कबूतर दिखाते हैं, मुर्गी दिखाते हैं, तो उसके ऊपर अन्याय होता है। तो सच में हम 30,000 देते हैं, उनको 30,000 देने से क्या अन्याय खत्म हो जाता है? अन्याय तो अन्याय है। फिर एक भी फिल्मों में मत रहने दीजिए, फिर खेत खलियान है और हमारी संस्कृति की फिल्में कैसे बनेगी? हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है, बच्चे है, उनको कैसा पता चलेगा कि खेत खलियान में किसानों के साथ में हमारी गौ माताएं रहती है, भैंस रहती है, ये कैसा पता चलेगा? क्या हम नंगी पुंगी पिक्चर बनाए उसी को हम स्वीकार करें? क्या लगता नहीं है गवर्नमेंट सभी लोगों से टैक्स के रूप में गौ वसूल करती है, लेकिन उसका भी सही जो हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कहना था? यही मुझे ताज्जुब हुआ जब मैं पंजाब में प्रवेश किया, तब कई लोगों ने मुझे बताया कि भैया एक नई गाड़ी लेते हैं या नया घर लेते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं उसके लिए 2% गौ टैक्स के रूप में लिया जाता है। लेकिन जो गौ टैक्स लिया गया है सच में उसका उपयोग हुआ है? मुझे तो नहीं लगता। मैंने अभी तक 30,000 के ऊपर 30 से 40,000 गौ माताएं को देखा है कचरा खाते हुए यहां तक, और ऐसे रात को भी देखा है पूरा झुंड का झुंड कचरे के साइड में बैठा रहता है। उनकी रक्षा कौन करेगा? ये 2% टैक्स ओनली दिखावा कि हम 2% टैक्स ले रहे हैं, सच में उनका जतन हो रहा है? वो गौ माता है सच में इस शहर में भटकने के लिए है, क्यों दिखावा कर रहे हैं ये टैक्स लेने का? ऐसे ही मांग लो भैया, भैया पैसे गौ माता के नाम पे, ये पाप तो नहीं हो? ये पाप कर रहे हैं वो लोग और कुछ नहीं। अब देखा है मोदी जी की तस्वीर लगाई और लगाई है, मोदी की तस्वीर का क्या खास मतलब? देखिए इसमें है ना, मैंने लोगों को समझाने के लिए ना, मैं किसी पार्टी का पार्टी से हूँ, किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना अभी तक मैं किसी पार्टी में भी ज्वाइन नहीं हूँ। मैंने सबको दिखाया कि सभी शॉट हम दिखाते हैं, बैल को दिखाते हैं, गौ माता को देखो बछड़ा है, माँ का दूध पी रहा है वो दिखा रहे हैं, इसके लिए भी 30,000 रुपये भरना पड़ता है हमको, तो सब जगह 30,000 भरना पड़ता है। तो हमसे जब हम गऊ को खाना खिला रहे तो 30,000 भरना पड़ता है फिल्म में, जबकि वो शॉट ओनली 2-3 या 5 सेकंड का रहता है। हमारी शूटिंग को भी बड़े मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगता होगा एक छोटा सा शॉट लेने के लिए। अब हमारे मोदी साहब ने भी है ना गऊ माता को लिए बोला कि गऊ माता हमारी माता है, उनको भी देखो खाना खिला रहे, ये अच्छी बात है। गऊ माता को खाना खिलाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, वो भी कर रहे, अच्छी बात है। तो क्या ये जो मोदी साहब है, हमारे पंतप्रधान है, वो गौ माता को खाना खिला के क्या अत्याचार कर रहे हैं? अगर वो अत्याचार करे तो उनसे भी 30,000 लिया जाए।
हाँ, गौ माता से इसको खाना खिला रहे हैं ना, इसका मतलब हम जैसे अत्याचार करते वो भी अत्याचार कर रहे हैं। तो गौ हमारे मोदी साहब से 30,000 लिया है उन्होंने, 3 से 4 घंटा इस गौ माता को रुकाया गया था जब मोदी जी वहां आए थे उसको खाना खिलाने के लिए। तो मोदी साहब से 30,000 रुपए क्यों नहीं वसूलते वो लोग, क्यों नहीं बोलते कि उनके ऊपर अत्याचार हुआ? तो यही मेरा कारण है वो दिखाने का कि मोदी जी साहब का मैंने फोटो रखा वहां पे।